सूरज हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। लगभग 13,90,000 व्यास का यह पिंड पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला माना जाता है। परमाणु विलय के द्वारा इसमें ऊर्जा पैदा होता है, जिसे हम पृथ्वी से रोशनी के रूप में दिखते हैं। पृथ्वी में ऊर्जा पहुंचने के समय उसका 15% ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है और करीब 30% धरती के पेड़ पौधे तक ही पहुंच पाता है। टेलीस्कोप से देखने में इसकी सतह पर छोटे छोटे धब्बे दिखते हैं, जिसे हम सूर्य का कलंक बोलते हैं। इन कलंकों के स्थान परिवर्तन से पता चलता है कि सूरज पूरब से पश्चिम के ओर आकाशगंगा का परिक्रमण करता है। इस परिक्रमण के लिए सूरज को 22 से 25 वर्ष का समय लगता है, जिसे हम निहारिका बोलते हैं। इन सब बातों से इतना अंदाजा लगाया जा सकता है कि सूर्य का हमारे पृथ्वी के हर चीज़ पे कितना महत्व है। अगर कुछ सेकंड सूरज की रोशनी पृथ्वी में ना पड़े तो सभ्यता का नाश अनिवार्य है। दोस्तों, आज मैं सूर्य के बारे में ऐसे और भी कुछ हैरान करने वाली बातें आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भविष्य में और भी अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सूरज का गठन 4.6 बिलियन साल पहले एक बड़ा आणविक बादल से हुआ। यह बादल हाइड्रोजन और हीलियम गैस से भरा हुआ था। इसके वजह से सूरज में हीलियम और हाइड्रोजन गैस का प्रमाण मिलता है और उसके ये अंदर का तापमात्रा करीब 1,50,00,000 डिग्री होने का कारण ये दो गैस को माना जाता है। चंद्रमा का आकार सूरज से 400 गुना छोटा है और सूरज पृथ्वी से 400 गुना दूरी पर स्थित है। इसके कारण जब सूर्य ग्रहण होता है तब पृथ्वी से हम दोनों को समान आकार का देखते हैं। सूर्यमंडल के गठन के बारे में प्राचीन ग्रीक समय पर एरिस्टार्कस ऑफ सोमास ने 3री शताब्दी BC में सबसे पहले दुनिया के सामने रखा। पूरे ब्रह्मांड के एक औसत आकार के तारा माने जाने वाले सूरज इतना बड़ा है, जहां करीब 1.3 मिलियन पृथ्वी एक साथ समा जा सकते हैं। हर सेकंड सूरज पृथ्वी के लोगों के संख्या का 10 गुना ज़्यादा न्यूट्रिनोस पृथ्वी के ओर भेजता है। एक तिहाई रशियंस अभी तक मानते हैं सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक पृथ्वी सूरज के चारों ओर लगभग 1,07,182 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से घूम रहा है। तो माना जा सकता है दोस्तों, हम सूरज के चारों ओर उसी गति में घूम रहे हैं। पेड़ पौधे एक दिन में जितना सूरज के रोशनी को ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वो पूरे इंसानी सभ्यता के बिजली के खपत का 6 गुना होता है। महाकाश में अगर हम सूरज को देखें तो उसका रंग सफ़ेद होता है, ना ही पीला रंग का। पूरे ब्रह्मांड में केवल सूरज का आकार ही गोल है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ज़्यादातर तारों या फिर ग्रहों का आकार गोलाकार नहीं होता। प्लूटो को सूरज के एक चक्कर काटने में करीब 248 साल का समय लगता है। ऐसे और भी कुछ रोचक बातें सूरज के बारे में हमें मालूम चलता है। तो दोस्तों, आज इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।